जरा हमरा हिस्ट्री जान लेना। कहे कि हम सिर्फ बात में कॉमेडी करते हैं, काम में नहीं। मिश्रा जी, बस आप शायद भूल रहे हैं कि सुनसान सड़क पे भी किसी का नजर रहता है। इस मामले को अब यहीं पर खत्म कर दीजिए। और हां, निमकी और उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गंगा देवी जी, बहुत बहुत थैंक यू, आप ही मैटर सॉल्व कर दी। पर कहा है ना कि ये जो मिश्रा है वो शांत रहने वाला नहीं है। चलो जाओ, घर जाओ, परिवार राह देख रहा होगा तुम्हारा। अब शंकर जी, जी इनको छुड़वा दीजिए जी हमरा गाड़ी से। जी मैडम। चलो प्रणाम। ये निमकी विधायक वही थी ना जो हमरे खिलाफ FIR की थी? वाह, क्या बात है, बहुत मेहरबान हो रही हैं आप इस पे। एक बात बता दें, इसके चक्कर में मिश्रा छूट जाएगा आपके हाथों से। ये निमकी विधायक शतरंज के बाजी की प्यादा है और मिश्रा घोड़ा। पराग, शतरंज का खेल खेलना हम तुमको सिखाएं। हम जानते हैं कि घोड़ा ज्यादा काम का होता है या प्यादा। अच्छा तो ये बताइए कि हम का है तुम्हारे लिए? तुम हमरे शतरंज के खेल के ऊ राजा हो जिसको बचाने के चक्कर में हमारा खेल ही बर्बाद हो गया। अरे शंकर जी। जी प्रभु। ये निमकी विधायक के साथ ये लड़का कौन है? ये मिंटू सिंह है पराग बाबू, आपका एक्सीडेंट वाला केस में यही लड़का आपके खिलाफ गवाही दी थी। ओ, तो हमरा दोनों दुश्मन एक साथ है। मैडम जी, ये वो शूटर है जो विधान भवन के बाहर आप पे गोली चलाया था। जी, कितना दिन से गोली चला रहे हो? बोल काहे नहीं रहे हो? पानी, पानी। हमको तो बताया था कि तुम बहुत अच्छा निशानेबाज हो, तो फिर कहा हो गया? इतना बड़का गलती कैसे कर दिए तुम? कहा बोला था तुमको
बोला था ना कि विधानसभा के बाहर जब हम गाड़ी से उतरेंगे तो गोली हमारे सिक्योरिटी पे चलाना, ताकि पब्लिक को ये पता चले कि गोली हम पर चला रहे थे, लेकिन हमारा सिक्योरिटी वाला सामने आकर जान दे दिए, शहीद हो गए हमको बचाने के लिए। ये बोले थे ना तुमको? जी मैडम जी। तो फिर तुम डायरेक्ट गोली हम पर काहे चलाए? ये देखो, ये गर्दन से छू कर गोली निकला है। अरे वो तो अच्छा हुआ हम बच गए, मर जाते तो यहाँ बैठकर बात थोड़ी ना करते तुमसे। वो हॉल पे जो इतना बड़ा फोटो टंगा है ना हमारा, उस पे हार होता और सब लोग शोक मना रहे होते। मैडम जी गलती हो गया। अरे तुम्हारा गलती की वजह से हमारा पूरा प्लान फेल हो गया है। सोचो ये सोचो, वो सिपाही अगर मर जाता तो पता है कितना बड़ा हंगामा होता। वो मीडिया वाला लोग एक सिपाही का जान के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम चलाता, दिन भर उसके परिवार वालों को रोता हुआ दिखाता। हम लोग अपना पार्टी के साथ मिलकर उसके लिए धरना देते, सरकार से उसके बेटे के लिए नौकरी मांगते, 15-20 लाख रुपया कॉम्पनसेशन देते, और उसका परिवार वाला लोग जिंदगी भर के लिए हमारा एहसान मंद रहता, हमको सपोर्ट करता। लेकिन तुम्हारा गलती की वजह से सब लोगों का नुकसान हो गया। कोई और पैसा दे दिया था का? नहीं नहीं मैडम जी, हमको माफ कर दीजिए मैडम जी, हमसे गलती हो गया। गलती? इतना बड़ा गलती कैसे कर दिए तुम? हमारे जान की कीमत जानते हो का है? हाँ? किसके कहने पर हमारा जान लेने का कोशिश किए तुम? हम अपना बच्चा का जान का कसम खा के कह रहे हैं मैडम जी, हम गोली उस सिपाही पे ही चलाए थे, लेकिन गलती से चूक गया। हवा भी बहुत तेज चल रहा था, इसलिए निशाना गड़बड़ा गया मैडम जी। ये सही कह रहा है मैडम जी, इसका घर अकाउंट सब छान लिए हैं, इसे किसी से पैसा नहीं मिला। ठीक है, मान लेते हैं। इसका क्या करना मैडम जी? एक खास सवाल पूछ रहे हैं आप शंकर जी, उसका वजह से हमारा पूरा प्लान फेल हो गया है। गोली हमारे गर्दन को छू कर निकला है, हम तो मर जाते, तो फिर ई कैसे जिंदा रह सकता है?